बिहार में स्टार्टअप के लिए सरकार ने एक खजाना खोल दिया है। जी हाँ, सही सुना, बिहार सरकार ने स्टार्टअप करने वाले लोगों के लिए पिटारा खोला है। ऐसे में अगर आप अपना नया बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, कोई नया स्टार्टअप शुरू करने का इरादा है, तो बिहार बेहतरीन डेस्टिनेशन हो सकता है और यहाँ आप अपना नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक के मुताबिक राज्य सरकार की नई स्टार्टअप नीति में इस बात का ख्याल रखा गया है कि स्टार्टअप का अप्रूवल और सीड फंड तेजी से दिया जाए। पिछले सप्ताह ही 31 नए स्टार्टअप को उद्योग विभाग द्वारा 1,08,00,000 रुपए का प्रारंभिक सीड फंड उपलब्ध कराया गया। संदीप पौंड्रिक ने कहा कि स्टार्टअप के लिए सारा आकाश खुला है, नए आइडिया के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे आइए। बिहार स्टार्टअप फंड की ओर से सीड कैपिटल से लेकर हैंड होल्डिंग और वेंचर कैपिटल प्राप्त करने में सहायता सहित अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार स्टार्टअप नीति के तहत एक्सीलरेशन प्रोग्राम के लिए 3,00,000 रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है। एंजल निवेशक निवेश मिलने पर 2% का सफलता शुल्क भी दिया जा रहा है। यदि सेबी रजिस्टर्ड एंजल से निवेश प्राप्त होता है तो बिहार स्टार्टअप फंड से मैचिंग लोन का प्रावधान भी किया गया है। पटना के मौर्या कॉम्प्लेक्स और फ्रेजर रोड स्थित BSFC बिल्डिंग में स्टार्टअप के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर और को वर्किंग स्पेस की व्यवस्था की गई है, जो 1 जनवरी 2023 से आवंटित किया जाएगा। इससे स्टार्टअप शुरू करने के लिए कम लागत पर कार्यालय की व्यवस्था भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार स्टार्टअप नीति के तहत पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना है, जिसके लिए पोर्टल 1 दिसंबर को खुल जाएगा और 1 माह का समय दिया जाएगा। स्टार्टअप के संबंध में युवाओं को मार्गदर्शन और टेक्निकल सपोर्ट करने के लिए उद्योग विभाग ने जीरो लैब इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है, जो IIT पटना के सहयोग से उद्योग भवन पटना में संचालित है। इस पोर्टल से करना है आवेदन startup.indbis.com। बिहार के स्टार्टअप पॉलिसी यहां से करें डाउनलोड। हिंदी में, अंग्रेजी में 1 बिलियन से अधिक का कारोबार कर रहे कई स्टार्टअप, संदीप पौंड्रिक ने कहा कि देश में 40 से ज्यादा ऐसे स्टार्टअप हैं जो $1 बिलियन से ज्यादा का कारोबार करते हुए यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बेहतरीन और विस्तृत स्टार्टअप इकोसिस्टम अपने देश का ही है और बिहार का इकोसिस्टम भी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन है।